आजीवन कारावास के 18 बंदी स्वतंत्रता दिवस पर होंगे रिहा। बालाघाट में मिले फिर 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज और 2 दिव्यांग गढ़ रहे गोबर से भगवान श्री गणेश की प्रतिमा। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आजीवन कारावास की सजा काट रहे जबलपुर संभाग के 8 जिलों के 18 कैदियों को उनके अच्छे आचरण के कारण स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को सुबह 9 बजे डिंडौरी जिले के 3, कटनी जिले के 4, छिंदवाड़ा और मंडला जिले के 3, बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी जिले का 1-1 दंडित बंदी स्वतंत्रता दिवस को रिहा कर दिया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 अगस्त को देर रात्रि में आईसीएमआर लैब जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट में 4 और मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस प्रकार जिले में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 37 हो गई। डॉक्टर पांडे ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए जिसमें लांजी तहसील के ग्राम जेवनारा और ग्राम भानेगांव का है जो वापी गुजरात से वापस आया है। वहीं खैरलांजी तहसील के ग्राम खुरकीपारा की महिला है जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीज के संपर्क में आई थी। कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के ग्राम सोनगुड्डा में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की और उनका आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी के साथ बुलेटिन वक्त तक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक। डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड पांडे नर्सिंग होम के सामने छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS TV पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। हर घूट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आय और अमृत हर्बल टी अपनाइए जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आय और अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते अगली खबर की ओर। विगत दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नगर के निचले क्षेत्रों में जलभराव की समस्या बनी हुई है। इसके साथ ही दीनदयाल कॉलोनी, गोंदिया रोड, चित्रगुप्त नगर सहित हनुमान चौक पर जलभराव की स्थिति का विरोध करते हुए व्यापारियों के अनूठा विरोध दर्ज कराया गया और हनुमान चौक से नाव के साथ प्रदर्शन किया गया। अवैध खनन की बलि चढ़ रही राजस्व भूमि किरनापुर तहसील के हरी खेल मैदान के ग्राउंड के पीछे से इन दिनों मुरम का अवैध खनन जारी है। ठेकेदार अपनी मर्जी के मुताबिक खाली जगह को खाई में तब्दील कर रहे हैं और JCB मशीन से मुरम खोद कर खाई में तब्दील किया जा रहा है। अवैध खनन की सूचना मिलने के बाद भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचते, जिसके कारण खनन माफिया बेखौफ होकर खनन का कार्य करते रहते हैं। राज्य शासन ने प्रदेश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन के सिलसिले में रूपरेखा तय कर दी है, जिसके अनुसार जिला स्तर पर कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। सलामी के बाद राष्ट्रगान का गायन होगा। कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री का संबोधन सुनने का इंतजाम किए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस को जिला पंचायत कार्यालय में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशासनिक समिति के प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा। मन में कुछ कर गुजरने की दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत रहे तो बड़े से बड़े काम आसानी से हो जाते हैं। ऐसे ही मूर्ति कलाकार दो दिव्यांग की कहानी है। संजय की बचपन से दोनों आंख की रोशनी नहीं है और सूखचंद दोनों पैर से दिव्यांग है। दोनों में प्रतिमा गढ़ने का बड़ा जुनून है, इसलिए गोबर से भगवान गणेश की प्रतिमा में अपना हुनर दिखा रहे हैं। गोबर से गणेश प्रतिमा बनाने का, इस दौरान जल को प्रदूषित होने से बचाने का भी यहां पे संदेश दिया जा रहा है। इस साल मिट्टी से बनी प्रतिमा की जगह गोबर की प्रतिमा लेगी। ये काम बारासुनी तहसील के ग्राम दीनी में प्रारंभ हो गया है। दिव्यांगों को प्रतिमा का निर्माण करते देख हर कोई हैरान है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।